आता है, जब जीसस आता है। आप सभी दर्शकों को शालोम, मेरा जय मसीह की, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रांतों से हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने फाइनेंशियल डे का लिफाफा आपके लिए भेजा है। फाइनेंशियल डे का मतलब होता है आर्थिक आशीषों को हम कैसे प्राप्त करें, कर्ज से हम कैसे बाहर आएं। आपको बताना चाहता हूं दर्शकों और हमारे सारे पार्टनर्स को कि 30 जुलाई के दिन मैं रांची के जनेस्टा होटल में फाइनेंशियल डे मनाने जा रहा हूं, और आपको जो लिफाफा भेजा गया है उसके द्वारा आप अपने प्रार्थना निवेदनों को और अपने भेंट को, विश्वास की भेंट जिसके द्वारा आप कर्ज से बाहर आएंगे, नौकरियों को पाएंगे, प्रमोशन पाएंगे। बहुत सारे लोग जिनका बिजनेस डूबता जा रहा है वे अपने बिजनेस को रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से समृद्धि में आ सकते हैं। 30 जुलाई को ना भूलें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में उन लोगों के लिए विशेष बोझ दिया है जो कर्ज से दबे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके हुए लोग, दबे हुए लोग, शायद आप कर्ज से दब गए हैं, ब्याज देते देते परेशान हो गए हैं, शायद कर्ज इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद आप अपना घर का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, बैंक का इतना ज़्यादा लोन आपने ले लिया है कि आपके पास कॉल्स आ रही हैं, शायद आप बहुत परेशान हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे रुकती है और कैसे आती है, इसके बारे में मैंने नबुवत संदेश में लिखा है, और यदि लिफाफा आपको मिल चुका है स्पीड पोस्ट के द्वारा तो आप बिल्कुल विलम्ब न कीजिए। एक बड़ा आश्चर्य कर्म आपके लिए होने वाला है। अब्राहम की आशीष आप पर उंडेल दी जाएगी। मैं आज से आपको समृद्धि के बारे में, फाइनेंस के बारे में, आशीषों के बारे में बताने जा रहा हूं। एक वचन पढ़ेंगे हगै नबी में। हगै नबी जो है वो पुराने नियम में है, जकरिया के पहले और उसके दूसरे अध्याय के 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? खत्ते में बीज तो है लेकिन वो बोया नहीं गया। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले। अनार फल नहीं रहा है, खेत में उपज नहीं आ रही है। शायद कोई कह रहा है हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में जैसी सैलरी आनी चाहिए नहीं मिली। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, जैतून के वृक्ष नहीं फले। जैतून के वृक्ष तो फलने चाहिए, फलों में रस आना चाहिए, घर में अनाज आना चाहिए, घर में फाइनेंस आना चाहिए, समृद्धि आनी चाहिए,
फल दिखाई देने चाहिए। और तब आगे लिखा हुआ है, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, दूंगा नहीं, दे नहीं चुका हूं। परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। ये आशीषें आपके लिए हैं। आज एक रहस्य की बात आपको समझाना चाहता हूं, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, जब आप मेरे संदेश को सुन रही हैं या सुन रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, पूरे संदेश को सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उन खोई हुई आशीषों को अब लौटाने जा रहा है। आज के दिन से, फ्रॉम टुडे, लेट मी रिपीट अगेन इन द नेम ऑफ जीसस, नॉट फ्रॉम टुमारो, कल से नहीं, आज से, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। यानी ये जो आशीष है बहती रहेगी। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, तुम्हारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, बहती नालियों के किनारे हम लगाए गए हैं। एक धर्मी जन जब यीशु के राज्य में आता है, यीशु को ग्रहण करता है, परमेश्वर की धन्य आशीषें, हरी भरी आशीषें, सुखदाई जल की आशीषें, वो आशीषें जो अब्राहम ने पाप करके खो दिया था, उन आशीषों को वो यीशु मसीह में प्राप्त करता है। अब दो बातें आपको समझाऊंगा, मिरेकल एंड ब्लेसिंग, आश्चर्य कर्म और आशीष। आश्चर्यक्रम उस समय होते हैं जब हम संकट में होते हैं, जब हम क्राइसिस में आते हैं, जब हम अकाल में आते हैं, जब हम बीमारी के बिस्तरे पर होते हैं, जब विपत्तियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, उस समय यू नीड अ मिरेकल। यीशु मसीह ने बहुत आश्चर्यक्रम किए, लेकिन वो सभी आश्चर्यक्रम ऐसे समय पर किए जब एक विपत्ति थी, जब कोई मृत्यु सामने थी, जब कोई चल और फिर नहीं पा रहा था। विपरीत परिस्थितियों में आपको मिरेकल की जरूरत होती है। परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में ब्लेसिंग है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने क्या किया, उसको ब्लेस किया। उत्पत्ति 1:28 में लिखा हुआ है कि फूलो फलो, प्रभुता करो, पृथ्वी पर फैल जाओ, फलवंत बनो। लेकिन आदम ने और हवा ने उस ब्लेसिंग को आज्ञा तोड़ने के द्वारा खो दिया, और उसी आशीष को यीशु मसीह ने अपने लहू बहाने के द्वारा फिर से हमें लौटा दिया। इसीलिए यीशु मसीह को हम दूसरा आदम कहते हैं। तो ब्लेसिंग के लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको मिरेकल समय समय पर मिलेगा, लेकिन आशीष ठहरी रहेगी। इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी ही व्यवस्था विवरण 28 की तरफ ले जाना चाहता हूं, 1 से लेकर उसके 14 पद तक आशीष वचन का, आशीर्वाद का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। यहां लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर जो है वो दो बातें कर रहा है, यदि तू सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, चौकसी करे, ध्यान दे, अपने मन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले ले, उनको गले से लगा ले, उनको अपना बना ले। मेरे मित्रों, आज्ञा पालन के द्वारा ही आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
परमेश्वर के वचन में 1637, लेट मी रिपीट, 1637 प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन इन सभी प्रतिज्ञाओं के साथ एक शर्त है, एक कंडीशन है। जब आप इसको पूरा करेंगे, देखिए यह अध्याय जो 28 अध्याय है व्यवस्था विवरण का, वो यदि से शुरू हो रहा है, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। और यीशु ने क्या कहा, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वही फलेगी। आज बहुत से लोग मुझे बार बार फोन करते हैं, कई कई बार फोन करते हैं, रोते रहते हैं, समस्याओं को बताते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम वे परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। वो सोचते हैं फास्ट फूड के समान गॉड मेरा काम कर दे, गॉड मेरे लिए आंसर बन जाए, कुछ मेरे लिए हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज्ञा मानने वाले विश्वासी हैं वे धन्य कहलाएंगे। बोलिए मेरे साथ, मैं धन्य कहलाऊंगा। अब्राहम की आशीष मुझ पर छा जाएगी इस समय जब आप अपने कमरे में और जहां कहीं भी या YouTube पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपने मुंह को खोलिए और बोलिए मैं धन्य कहलाऊंगा। अब्राहम की धन्य आशीषें मुझ पर होंगी, इसराइल की आशीषें मेरे लिए हैं। बोलिए, आपके मुंह में चमत्कार है। तो यहां लिखा हुआ है पहले पद में श्रेष्ठ करूंगा। क्या आपका बिजनेस डूब गया है? क्या आप प्रमोशन पाना चाहते हैं? क्या आप इंटरनेशनल बनना चाहते हैं? क्या आप टॉप 10 में आना चाहते हैं? क्या आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहते हैं? श्रेष्ठ करूंगा। गॉड वॉन्ट टू रिलीज ए हायर लाइफ, हायर स्टेटस। आपके स्टेटस को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए इसी अध्याय में एक और वचन लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28 का 13 पद, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सिर ठहरोगे, टॉपर बनोगे, धनी बनोगे, उन्नति करोगे, तुम्हारी फसल को मैं इतना ब्लेस करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा कि तुम्हारी न्यूज जो है वो एक बिग न्यूज बन जाएगी। डू यू वॉन्ट टू बी ए न्यूज मेकर? मेरे मित्रों, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए बहुत ऊंची हैं। वो हमारे लिए बड़ा सोचता है, वो हमारे लिए वो सोचता है जो मेरा माइंड नहीं सोच सकता। मैं सच बताता हूं, व्यवस्था विवरण 28 आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे, 100% ब्लेसिंग तुझ पर होंगे। इसहाक ने क्या किया, 100% ब्लेसिंग पाई। यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया बीज बोने का, 30 गुना 60 गुना 100 गुना, इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर हमको 100 गुना आशीष देना चाहता है। क्या आप 30 गुना में हैं, 60 गुना में हैं या 100 गुना में हैं? ये फाइनेंशियल डे में आपको परमेश्वर 100 गुना आशीष देना चाहता है। और यहां लिखा हुआ है 3rd पद में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। इसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, धन्य हो तू नगर में। क्या आपका नगर शांति में है? क्या आपका नगर आशीषित कहलाता है? क्या आपके नगर में पवित्र आत्मा की जागृति आ रही है? क्या आपके नगर में उद्धार की सामर्थ काम कर रही है? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको अपने नगर के लिए आशीष के वचन
बोलना अभी से शुरू कर दीजिए। और आप देखिएगा, आपको बताना चाहता हूं कि जब 1991 में मैं रांची गया, उस समय झारखंड नहीं बना था, और जब मैं रांची स्टेशन को देखता था, रांची की सड़कों को देखता था, आदिवासी लोगों के जीवन को देखता था, मेरे आंखों से आंसू बहते थे। लेकिन मेरे मित्रों, आज रांची इतना महान बन गया है, इतना शाइन कर रहा है। मुझे गर्व है कि मैं झारखंड में हूँ। आदिवासी लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो रही है। मेरे मित्रों, धन्य हो तू नगर में। आज मैं उस नगर में जाकर, छोटा नागपुर में जाकर, झारखंड में जाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा बेटा राजीव धन्य हो गया है। मेरे मित्रों, हम इलाहाबाद छोड़ करके रांची क्यों आ गए? क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए धन्य आशीषें झारखंड में रखी हैं। आपका नगर धन्य होगा, आप कहीं भी हैं। यदि आप गांव में हैं तो हो सकता है बहुत ही जल्दी आपका गांव एक तहसील बन जाए। धन्य हो तू नगर में। जब नगर में आप चलेंगे, शायद आप अभी छोटी गाड़ी में चल रहे हैं, बहुत बड़ी गाड़ी में चलेंगे, शायद आप महंगी गाड़ी में आप चलेंगे, शायद आपके हवाई जहाज में उड़ने का समय आ गया है। और यहाँ लिखा हुआ है, धन्य हो तू खेत में। अब जब मैं खेत की बात करता हूँ, तो खेत तो सबके पास है नहीं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोल माइंस में काम कर रहे हैं, उनके पास खेत नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास खेत है, तो शायद वो किसी को दे दिए हैं कि इसमें जोतो और वो। बहुत सारे लोग जो है जमीन जायदाद का मुकदमा लड़ रहे हैं। खेत का मतलब यहाँ क्या है? आज की आधुनिक युग में खेत का मतलब होता है वहाँ वह स्थान जहाँ से आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलती है, वो स्थान जहाँ से आप पैसे को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं किसान बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन वे कर्ज में हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने बड़े बड़े आईएएस अफसर से मैं मिला हूँ, डॉक्टरों से मैं मिला हूँ, और वो कहते हैं हम तो भैया बहुत कर्ज में हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपको धन्य बनाना चाहता है। धन्य लोगों पर श्राप नहीं होता, धन्य लोगों का खेत हरा भरा रहता है। अब लेकिन अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा इसराइल की। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे चीफ मिनिस्टर जो झारखंड के हैं, रघुवर दास जी ने 100 किसानों को इसराइल भेजने का प्लान किया। मैं जब इस खबर को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 100 किसानों को इसराइल क्यों भेज रहे हैं। और जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीख कर वे आकर वही टेक्नोलॉजी झारखंड में प्रयोग करें, दूसरे स्टेट के लोग भी बहुत ध्यान दें, इसराइल में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है। इसराइल की जो हथियारों की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हमारा देश इंडिया जो है वो इसराइल के साथ अच्छे संबंधों को विकसित कर रहा है। इस छोटे से देश पर बहुत आशीष है, धन्य आशीषें आ गई हैं यहूदियों लोगों के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर ने उनके साथ एक प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अभी अगैन अभी मैंने पढ़ा, आज के दिन से मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। ब्लेसिंग का मतलब होता है जब परमेश्वर धन देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। जब परमेश्वर धन हमें देता है, आशीष देता है, उपज देता है, नाम देता है,
शिक्षा देता है तो ये आशीषें हमारे लिए कष्ट का कारण नहीं बनती, हमारे लिए आशीष का कारण बनती हैं। मेरे मित्रों, यदि आप बहुत दुखित हो गए हैं अपने कर्ज से, अपनी आर्थिक परेशानियों से, यही समय है प्रभु को पुकारने का। आपको मालूम, मैं बहुत दिनों से, लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, मैं अपने ऑफिस में रोता हूँ आपके लिए, खासतौर से उन लोगों के फ़ोन जो कर्ज के बारे में आ रहे हैं। कर्ज से लोग दब चुके हैं, ब्याज देते देते थक गए हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, बच्चों की फीस समय से नहीं जाती। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो एजुकेशन लोन नहीं भर पा रहे हैं। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो बैंकों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। मेरे मित्रों, कर्ज एक श्राप है और परमेश्वर इस फाइनेंशियल डे पर चाहता है कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएं। लेकिन आप उसी समय मुक्त होंगे जब आप प्रभु की ओर देखेंगे और जो लिफाफा मैंने भेजा है उसमें प्रार्थना निवेदन है, उसको पढ़िएगा, अपने प्रार्थना निवेदन को लिखिएगा और एक अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य में बोइएगा, ऐसा बीज जो परमेश्वर के हृदय को छू ले। और तब लिखा हुआ है यहां, धन्य हो तेरी संतान। ओह, आई एम ग्लैड। क्या आपके बच्चे धन्य हैं? आपके बच्चों से आप खुश हैं? क्या आपके बच्चे कहीं नशा में तो नहीं आ गए हैं? आपके बच्चे बार बार फेल तो नहीं हो रहे हैं? आपके बच्चों पर क्या वो ताज आ गया है जो आप देखना चाहते हैं? धन्य हो तेरी संतान। आपको मैंने बताया था पिछले प्रसारणों में कि मेरे पास 2 बेटा और 1 बेटी है, और आपको मैं गर्व के साथ बता सकता हूं कि मेरे 3 बच्चे आशीषित हैं। पास्टर राजीव रांची में आशीषित है, उसकी कलीसिया बढ़ रही है, उसकी मिनिस्ट्री बढ़ रही है। मेरा बेटा आशीषित है, अभी अभी लंदन गया था, लंदन से वापस आया। मेरे मित्रों, आशीष दिखाई देती है जब हम धन्य बनते हैं, तो वो दिखाई देता है। आशीषें परमेश्वर की प्रत्यक्ष होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, आपके कपड़ों में, आपके काम में, आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों पर, आपके बच्चों पर। गॉड इज ए गुड गॉड, वो भली आशीषें देता है, वो बहुमूल्य आशीषें देता है। और तब यहां लिखा हुआ है, और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बताएंगे आपको। पशुधन, पहले जमाने में, पुराने जमाने में इतनी करेंसी नहीं थी, इतने पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं था, बैंक नहीं थे, एटीएम कार्ड नहीं था, एटीएम मशीन नहीं थी। लेकिन आज विश्व में बैंकिंग इंटरनेशनल बन चुकी है। उन दिनों में लोगों के धनी होने का मूल्यांकन उनके पशुओं से किया जाता था। पशु एक धन था, कितने बैल हैं, आप पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, वो धनी था। जब लोग धनी होते थे तो उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी बहुतायत की होती थी। याकूब को कैसा धन मिला? पशु धन मिला। मेरे मित्रों, आज यही धन हमारी टोकरी में आ रहा है। यहां लिखा हुआ है, ठीक 4th पद के बाद, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। इस पर मेरी एक किताब आ रही है, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। क्या आपके बैंक अकाउंट धन्य हैं? क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? क्या आपका बिजनेस प्रतिदिन बढ़ रहा है? शायद आप टीचर हैं और आपकी सैलरी बहुत कम है और आप ट्यूशन करती हैं,
मैं कुछ बहनों से बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत से घरों में बहुत सी बहनें बच्चों को बुलाकर शाम में ट्यूशन करती हैं और जो पैसा उनको मिलता है वो बहुत ही कम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस फाइनेंशियल डे पर परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। एक नया अकाउंट खोलने का समय आ गया है, एक नया एफडी करने का समय आ गया है और ये समय आ गया है कर्ज से बाहर निकलने का। हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आपने मेरे संदेश को सुना और परमेश्वर की आशीष को आप पाने के योग्य हो चुके हैं क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है। जहां यीशु है वहां आनंद है, वहां समृद्धि है और वहीं पर आशीष भी है। यीशु मसीह के नाम में आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जहां भी आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समय परमेश्वर की आशीष आप पर उंडेली जाएगी। प्यारे प्रभु, हगाई नबी के अनुसार जब तूने कहा है कि मैं आज के दिन से तुम्हें आशीष दूंगा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, मैं सारे दर्शकों के घर में अब्राहम की आशीष को रिलीज करता हूं और कहता हूं प्रभु हर एक घर फलवंत हो जाए। जिनकी सैलरियां नहीं मिल रही है प्रभु, उनकी सैलरियां मिलने लगे। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है प्रभु, उनको नौकरी मिलने लगे, क्योंकि तूने व्यवस्था विवरण 28 में कहा है धन्य हो तेरी टोकरी। हर दर्शकों की टोकरी को, उनके बैंक अकाउंट को, और प्रभु खास तौर से वे लोग जो कर्ज में, घुटन में, तनाव में, शैतान के ट्रैप में हैं, लॉर्ड आई प्रे I release the blood of Jesus and I cancel, Lord, every debt. कर्ज के सारे प्रभु जी बोझ से मैं इनको आजाद करता हूं। कर्ज को मैं कैंसिल करता हूं, चाहे वो कितना ही बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। और मैं कहता हूं परमेश्वर हमारे दर्शकों की सहायता कर कि वे फाइनेंशियल डे पर अपनी भेंटों के साथ आएं और अब्राहम की आशीष को वो स्वीकार करें। परमेश्वर की उपस्थिति इनके घरों में बनी रहे और हर प्रकार के आर्थिक श्राप बी कैंसल्ड फॉर एवर इन जीसस नेम। सबको आशीष दे, इनके बच्चों को आशीष दे, उनके एजुकेशन को आशीष दे, पति और पत्नी को आशीष दे, मेल और प्रेम की आत्मा से भर, यीशु के नाम में आमेन।